गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम रही दास के दोहे जो आपकी पाठ पुस्तक में दिया गया है उन दोहों के शब्दों के अर्थ और उसके भावार्थ को हम जानेंगे। पहला दोहा जो आपकी पाठ पुस्तक में दिया गया है विद्यार्थी, कह रहीन संपत सगे बनत बहुत बहुरी विपत कसोटी ये कसे ते साचे में। रहींदास जी में दोहे में कह रहीन संपत सगे बनत बहुत बहुरी विपत कसोटी ये कसे ते साचे में। विद्यार्थी पहले हम शब्दों के अर्थ को जान लेते हैं, भावार्थ को जानते हैं। कह अर्थ होता करना अर्थात कहते हैं। संपत धन दौलत संपत्ति, सगे रिश्तेदार बंधु दोस्त, बनत बनते हैं, री तरीका अलग अलग तरीकों से दोस्त आपके बन जाएंगे, विपत्ति कष्ट संकट मुसीबत, कसोटी जे कसे बुरे समय में जो साथ दे, बुरे समय में जो साथ दे, ते वे ही साचे सच्चे मी अर्थात दे। यहां रहींदास जी का प्रसंग है कि रहींदास जी के दोहे के माध्यम से सच्चे मित्र की परिभाषा को दर्शाते हैं। सच्चे मित्र की क्या पहचान है इस बात को रहीम जी इस दोहे में बताने का प्रयास है। रहीम दास जी कहते हैं कि जब हमारे पास संपत्ति होती है तो लोग हमारे सगे रिश्तेदार बंधु दोस्त बन जाते हैं, बहुत सारे मित्र बन जाते हैं। जब हमारे पास संपत्ति होती है, धन होता है, दौलत होता है, तो बहुत से लोग तरह तरह से तरकीबें करके हमारे रिश्तेदार बंधु बन जाते हैं या मित्र बनने का प्रयास करते हैं। लेकिन सच्चा मित्र वह होता है जो मुसीबत विपत्ति में आने पर उस विपत्ति के समय जो हमारा साथ दे वही सच्चा मित्र होता है। वही सच्चा मित्र होता है, उसका साथ हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह मुसीबत में हमारा साथ देता है। तो विद्यार्थी यहां हमने सीखा कि रहींदास जी कहते हैं जब हमारे पास पैसे हो जाते हैं तो बहुत सारे लोग रिश्तेदार बंधु दोस्त बनते हैं, परंतु जो बंधु दोस्त रिश्तेदार विपत्ति के समय हमारा साथ दें वही हमारे सच्चे मित्र होते हैं, वही हमारे सुखद मित्र की पहचान होती है, अच्छे मित्र की पहचान होती है। ऐसे मित्रों का साथ हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इस दोहे में आपने क्या सीखा विद्यार्थी? सच्चे मित्र की परिभाषा को जाना। क्या सच्चा मित्र कैसा होता है? जो मुसीबत में आपका साथ दे। धन्यवाद।